आई रियली फील कि SRK की हर मूवी का ऐसे वापस रीस्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। पठान फिल्म आ रही है 25 जनवरी को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो ऑब्वियसली सभी लोग बहुत एक्साइटेड है, कौन नहीं एक्साइटेड है, एवरीबॉडी इज़ वेटिंग फॉर पठान। टीज़र देखे हो आप पठान? हाँ हाँ देख लिया, अभी भी देख लिया। कैसा लगा? कैसा बहुत एकदम बहुत अच्छा लगा, हार्ट आप क्या कहना चाहेंगे? वही SRK एवरी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर ही होती है और पठान के लिए सब वही इतना ही एक्साइटेड है बिकॉज उसका उनका क्या कमबैक बहुत टाइम बाद हो रहा है, तो वही एक्साइटेड है पठान। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, जल्दी मिलते हैं पठान से। 25 जनवरी जाएंगे, पठान फिल्म आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए तो देखो बेसब्री से इंतजार है और प्लस जैसा कि है वो जितनी जल्दी आगे बहुत अच्छी बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। ओम शांति ओम की हमने जो स्क्रीनिंग रखी है ये सबको इस बात का संदेश है कि पठान की तैयारी यूनिवर्स फैन क्लब और हम सब की तरफ से कि यू हैव अरेंज दिस मच हमारे लिए एंड द थिंग इज दैट कि वी ऑल आर वेटिंग फॉर पठान सो मच एंड थैंक यू सो मच एंड द मेन थिंग इज दैट कि SRK यूनिवर्स फैन क्लब जो कर रहा है फैन क्लब फैंस के लिए, जनरली ऑन बर्थडे वी गो देयर और हम लोग पर्सनली शाहरुख खान को मिल करके उनको बर्थडे की मुबारकबाद देते हैं, सो इट्स अ बिग थिंग। सो SRK हम फैंस ने बहुत कोशिश की है, चार साल बाद शाहरुख खान वापस आ रहा है, ये बहुत बड़ा कमबैक है, किंग ऑफ बॉलीवुड है वो। हम सब ने फैंस ने अपनी तरफ से हम दिलो जान से जितना चाहते शाहरुख को हमने दिलो जान से अपने ऊपर सब प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया है। YRF का भी टाइम है लेकिन हम फैंस कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड अभी फिलहाल बहुत डाउनफॉल पे है, साउथ के फिल्में काफ़ी चल रही है लेकिन हम बॉलीवुड का जो किंग खान है वो वापस आएगा, वापस राज करेगा और वो शाहरुख खान वो किंग ऑफ बॉलीवुड था है और हमेशा रहेगा। आज औरंगाबाद के प्रोजोन मॉल में पठान फिल्म का टीज़र लॉन्च हुआ है, यहाँ पर SRK यूनिवर्स के फैन हमारे साथ मौजूद है, आइए देखते हैं टीज़र, देखे उनसे पूछते हैं कैसी टीज़र लगा है उनको। ट्रेजर ने तो आग लगा दिया भाई, पठान के ट्रेजर ने। क्या कहना चाहेंगे? पठान फिल्म आ रहा है 25 जनवरी को, क्या कहना चाहेंगे औरंगाबाद के नौजवान को, औरंगाबाद की युवा को? औरंगाबाद की जनता तो जिंदा है, पठान रेडी है। 4 साल के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे और 4 साल के बाद हमें ऐसा मौका मिला है कि टीजर देख के सब खुश हो गए कि पठान जिंदा है, बॉलीवुड में एक बार फिर से धमाका होने वाला है। टीजर ने इतना आग लगा दिया, सोचो मूवी कैसी होंगी। अभी 2023 शाहरुख खान का है, पठान जवान डंकी तीनों का स्वागत एक साथ में करेंगे हम और इस तरह से करेंगे, औरंगाबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम लहराएगा वो है शाहरुख खान। सबसे पैंडेमिक के बाद से सिनेमा हॉल बंद थे और अब नई नई फिल्में आ रही है, औरंगाबाद शहरियान के जो लोग हैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पठान फिल्म का, देखना चाहिए कि पठान फिल्म शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? हम फैंस ने बहुत कोशिश की है, चार साल बाद शाहरुख खान वापस आ रहा है, ये बहुत बड़ा कमबैक है, किंग ऑफ बॉलीवुड है वो। हम सब ने फैंस ने अपनी तरफ से हम दिलो जान से जितना चाहते शाहरुख को हमने दिलो जान से अपने ऊपर सब प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया है। YRF का भी टाइम है लेकिन हम फैंस कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड अभी फिलहाल बहुत डाउनफॉल पे है, साउथ के फिल्में काफ़ी चल रही है लेकिन हम बॉलीवुड का जो किंग खान है वो वापस आएगा, वापस राज करेगा और
वो शाहरुख खान वो किंग ऑफ बॉलीवुड था, है और हमेशा रहेगा। एंड वी कैन वेट फॉर पठान 25 जनवरी, सी यू इन थिएटर्स। फिल्म से क्या अपेक्षा है? फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी डूड, बिकॉज ही इज़ वर्किंग सिंस 30 ईयर्स इन द बॉलीवुड। अब तक ऐसी एक भी फिल्म नहीं रही है जो डिसअपॉइंटिंग हुई है उसकी। अभी हम ओम शांति ओम देख रहे हैं, आज भी एवरग्रीन लगती है, आज भी इतनी खुशी होती है देख के। उसके टीज़र ने तो इतना धमाका मचा चुका है, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे टीज़र्स आए तो लोगों ने इतना बदनाम कर दिया लाइक आदि पुरुष एंड ऑल, लेकिन जो टीज़र आया है पठान का, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और शाहरुख खान है तो वो करेगा ही। एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू। औरंगाबाद की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे पठान के बारे में? पठान ज़रूर देखे सब लोग और हमारे साथ और सारे जुड़े। एंड SRK यूनिवर्स सब बहुत कोशिश कर रही है कि पठान फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आप सब भी हमारे साथ जुड़े। पिक्चर बहुत अच्छी रहेगी, हमको बॉलीवुड को वापस लाना है और अपने शाहरुख खान जिसे सालों से इतना लोग प्यार करते हैं उसे हमें वापस जिंदा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच SRK यूनिवर्स फैन क्लब कि आज फैन क्लब को मौका दिया। ऑल ओवर इंडिया में 17 सिटीज़ में ओम शांति ओम का स्क्रीनिंग किया गया है। स्पेशली द रीज़न इज़ कि दीपिका पडुकोन एंड शाहरुख खान आर कमिंग बैक वंस अगेन ऑन द स्क्रीन, सो वो एक्साइटमेंट और बढ़ाने के लिए ओम शांति ओम का स्क्रीनिंग रखा गया है। सो बिग थैंक्स टू SRK यूनिवर्स फैन क्लब और हम सब की तरफ से कि यू हैव अरेंज दिस मच हमारे लिए। एंड द थिंग इज़ दैट कि वी ऑल आर वेटिंग फॉर पठान सो मच एंड थैंक यू सो मच। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि SRK यूनिवर्स फैन क्लब जो कर रहा है फैंस के लिए, जनरली ऑन बर्थडे वी गो देयर और हम लोग पर्सनली शाहरुख खान को मिल करके उनको बर्थडे की मुबारकबाद देते हैं। सो इट्स अ बिग थिंग। सो SRK यूनिवर्स फैन क्लब इज़ द बिगेस्ट फैन क्लब इन द वर्ल्ड। टीज़र पठान का आ चुका है जी, टीज़र आप देख चुके हैं जी, क्या अपेक्षा है फिल्म के लिए? अब फैंस का तो आपको जवाब पता ही है, लेकिन अगर आप अदर ऑडियंस से भी आप जानेंगे तो इट इज़ एन अमेजिंग मूवी। और जैसे कहा गया है कि 2023 ये अब शाहरुख खान का ईयर रहेगा और ही इज़ टेकिंग बैक बॉलीवुड अगेन इन इंडिया। तो ऑफ कोर्स पठान देखने के बाद में तो सब मतलब जो एक्सपेक्टेशंस शाहरुख खान की मूवी से अब तक रख रहे थे, जैसे उन्होंने डर, बाजीगर और इस तरह की मूवी दी है, ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन वो रिएक्शन शाहरुख खान का वापस आ रहा है। औरंगाबाद के यंगर्स को SRK यूनिवर्स से जुड़ने के लिए क्या कहना? देखिए जितने लोग अभी हमारे साथ में जुड़े हैं तो ये तो बहुत बिगेस्ट फ़ैन है, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो कहूँगा इनफैक्ट पूरा औरंगाबाद शाहरुख खान का फ़ैन है। तो पठान जब लॉन्च होगी, जब भी रिलीज़ होगी, तो हम चाहेंगे कि जितने भी फैंस हैं शाहरुख खान के वो आकर के जुड़े फ़ैन क्लब से, SRK यूनिवर्स फ़ैन क्लब से स्पेशली। यस प्रोजोन मॉल में औरंगाबाद में शामिल है। हमारे साथ आज SRK यूनिवर्स ग्रुप मौजूद है। आज जो है फिल्म का, पठान फिल्म का प्रमोशन शुरू हो रहा है और आज ओम शांति ओम फिल्म को 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे साथ SRK यूनिवर्स फैन के लोग और उनके साथ का ग्रुप मौजूद है। आइए जानते हैं किस मौजू को लेकर वो यहाँ पर आज मौजूद है। हमारे साथ है कुछ गर्ल्स वगैरह, देखते हैं उनसे जानकारी लेते हैं आज कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आज SRK फैंस के साथ आप? मेरे को ये मूवी वापस देख के बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली फील कि SRK की हर मूवी का ऐसे वापस रीस्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। पठान फिल्म आ रही है 25 जनवरी को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो ऑब्वियसली सभी लोग बहुत एक्साइटेड है, कौन नहीं एक्साइटेड है, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर पठान। टीज़र देखे हो आप पठान? हाँ हाँ देख लिया, अभी भी देख लिया। कैसा लगा? कैसा बहुत लगा? एकदम बहुत अच्छा लगा, हार्ड थ्रिलर लगा। आप क्या कहना चाहेंगे? वही SRK एवरी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर ही होती है और पठान के लिए सब वही इतना ही एक्साइटेड है बिकॉज उसका उनका क्या कमबैक बहुत टाइम बाद हो रहा है, तो वही एक्साइटेड है पठान। औरंगाबाद में SRK यूनिवर्स का काफ़ी अच्छा ग्रुप है
और हमारे साथ कोई लड़के लोग भी मौजूद है, आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर केक कटिंग भी हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है अच्छे तरीके से। बस एक ही कहूँगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, जल्दी मिलते हैं पठान से। 25 जैन। मेरे साथ कुछ काफ़ी ऐसे फैंस हैं जिन्होंने SRK का टी शर्ट वगैरह पहने, आई है, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, पठान फिल्म आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए तो देखो बेसब्री से इंतज़ार है, और प्लस जैसा कि है वो जितनी जल्दी आ गए उतना अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बस उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। औरंगाबाद में एक क्राउड है, एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कई यहाँ पर लोग हैं, मॉडल्स वगैरह जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और आपका एक ग्रुप काम कर रहा है SRK यूनिवर्स, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आगे, औरंगाबाद शहर को किस तरह देखना चाहते हैं? किस तरह देखना चाहिए बोले तो क्या कहना चाहेंगे बॉस? बस औरंगाबाद शहर में भाई हम एक तूफान लेकर आने वाले हैं, जल्दी मिलते हैं पठान से। और ये ओम शांति ओम की हमने जो स्क्रीनिंग रखी है, ये सबको इस बात का संदेश है कि पठान की तैयारी जोर शोर से की जाए। हेलो, बहुत दोस्त मेरे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं। ये थे औरंगाबाद से SRK के फैंस, काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, 25 जनवरी को पठान मूवी आने वाला है, और SRK के फैंस यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, आज केक कटिंग कर रहे हैं, और ओम शांति ओम फिल्म को 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसका भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं अनवर अली, औरंगाबाद समाचार से। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, I'm likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness.